हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरियामटिक। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो है यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दिया गया था और इसे सबमिट कट ऑफ के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो भी ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना के डाल दिया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लेटेस्ट न्यूज़ के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक आएगा और यहाँ पे आंसर की जो यहाँ पे संशोधित आंसर की है वह कब तक आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, मात्र एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर यह बताया जाए कि इसका आंसर की कब तक, इसका संशोधित आंसर की कब तक आएगी और इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसका संशोधित आंसर की कब तक आएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका आंसर की तो रिलीज कर दिया गया था, उसके बाद 14 अगस्त तक यह रखा गया था डेट कि 14 अगस्त तक आप उससे ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑब्जेक्शन सही पाए जाएंगे, मतलब उनके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा ठहराया गया होगा, गलत ठहराया हो गया होगा, तो उसके बाद आयोग क्या कह रहे हैं कि संशोधित आंसर की जारी किया जाएगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन बताए गए हैं उस क्वेश्चन को उसमें लिया सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर से रिवाइज आंसर की आना चाहिए। लेकिन बात यह बस बात आ रही है कि रिवाइज आंसर की पहले आएगा या फिर रिजल्ट पहले आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कंपटीशन वाले एग्जाम में दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तो कंडीशन यह बनता है कि पहले ही आंसर की रिवाइज आंसर किया जाए और दूसरा यहाँ पर रिजल्ट के साथ रिवाइज आंसर की दिया जाए। ठीक है, अब देखिए आयोग क्या करता है, यहाँ पर अधिकतर कंडीशन यही बनता है कि हो सकता है कि रिजल्ट के साथ ही रिवाइज आंसर की को जारी किया जाए, क्योंकि पहले आंसर की जारी करने में जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो हो सकता है कि रिवाइज आंसर की आंसर रिजल्ट के साथ ही जारी किया जाए। ठीक है, अब जो भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से उसमें कोई संशोधन होगा नहीं, तो उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट के लिए वही संभावना बताई जा रही है जिस हिसाब से यहाँ पे तेज़ी देखा जा रहा है दोस्तों आयोग की तरफ से, उस हिसाब से यही लग रहा है कि हो सकता है आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के पहले वीक में देखने को मिल जाए। ठीक है, संभावना जताई जा रही है दोस्तों, अभी कुछ क्लियर नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन यह है कि चूँकि विधानसभा चुनाव है उससे पहले इनको नियुक्ति देनी है, कुछ अपने कामों को गिनाना है, इसलिए ये निश्चित तौर से इसमें तेज़ी दिखाएंगे। ठीक है, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।